तो वेलकम बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एरोप्लेन विंग्स जो होते हैं वो पिकुलर शेप में क्यों होते हैं। पिकुलर मींस आगे से ब्रॉड होते हैं और पीछे से नैरो। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर एरोप्लेन को अपलिफ्ट करने में हेल्प करती है और इसको हम समझ सकते हैं बाय द थ्योरम ऑफ बर्नौली, बर्नौली थ्योरम से। क्योंकि हम सब ने एक इक्वेशन ये भी पढ़ी है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एरिया इंटू वेलोसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट। तो जैसे ही एरोप्लेन रनवे पे दौड़ते हैं तो एयर पीछे की तरफ ऐसे जाएगी, एयर पीछे जाएगी तो पीछे का एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम होगा तो ऊपर एयर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। नीचे से सरफेस फ्लैट है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बर्नौली थ्योरम ये कहती है कि तीनों एनर्जी का सम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। हाइट का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो हाइट को हम भूल जाएंगे। तो ऊपर की एयर की वेलोसिटी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो प्रेशर एनर्जी कम, तो नीचे का प्रेशर क्या करेगा, एरोप्लेन को अपलिफ्ट प्रोवाइड करेगा। यही आप इससे समझ सकते हैं। थैंक यू।